अधिकारी होने के कारण थोड़ा मेरे को अहम भी था कि मैं अधिकारी हूँ। उन्होंने कहा बापू 5 मिनट में आ जाते बाहर तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चला जाऊँगा। इतना मेरे को घमंड था। 3 मिनट नहीं हुए बापू आ गए, और जो मैंने बापू को देखा, मेरे को बापू में ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात दिखे। बापू हमारे भगवान से भी बढ़कर हैं। जीवन जीने का मकसद सिखाया, उसके बाद भी लोग ये कह रहे हैं तो कहने वाले कहते रहे, बापू तो हमारे हृदय में हैं और सदा रहेंगे। भारतीय संस्कृति को इन नेताओं ने जेल में रखकर दिया है चंद स्वार्थों के कारण। FIR में रेप नहीं लिखा, FIR में दर्ज नहीं कराया उस बच्ची ने रेप हुआ। मीडिया चला रहा रेप करा, तो क्या ये कानून व्यवस्था और सरकार को ये दिखता नहीं है? हजारों महिला चीख चीख के कह रही हैं कि बापू हमारे निर्दोष हैं, वो सरकार को नहीं दिख रहा? ये सोची समझी साजिद है विदेशों की, स्वार्थी नेताओं की, कि किसी भी तरीके से बापू को बदनाम करो, भारतीय संस्कृति को बदनाम करो। इंसान तो ठीक है, प्राणी मात्र के लिए बापू का कहते का भला चाहते हैं, प्राणी मात्र सुखी रहे, ऐसे संत को आपने अंदर डाल रखा है, कहाँ जाएंगे ये? आप किसी के लिए भी अदालत खुलवा लेते हो रात में, मगर बापू को 9 वर्षों के अंदर एक दिन की भी बेल नहीं मिल पाई, तो क्या आतंकवादियों से भी उन्होंने गहरा कह कहते ऐसा कोई काम किया है? जबकि सच्चाई किसी केस में है ही नहीं, तो क्या कारण है? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि मैं विगत सन 90 से, मतलब 32 वर्षों से बापू से जुड़ा हुआ हूँ, और बापू की कृपा मुझ पर बहुत असीम रही है। थोड़ा अधिकारी होने के कारण थोड़ा मेरे को अहम भी था कि मैं अधिकारी हूँ। मेरा एक वाक्य बताता हूँ मैं आपको, कि मैं पंचेड़ आश्रम टेकरी के ऊपर कार्य करना था, वहाँ के लाइन और खंभे का विस्तार करना था। लोगों की भीड़ पंचेड़ में काफ़ी लोगों की भीड़ थी। मैं वहाँ के संचालक से बोल रहा हूँ कि यार 5 मिनट में बापू कहाँ हैं? तो बोले बापू अंदर हैं। मैंने कहा ये कौन बताएगा हमको लाइन कहाँ से खींचना है? बोले ये तो बापू ही बताएंगे। मैंने कहा बापू 5 मिनट में आ जाते बाहर तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं चला जाऊँगा। इतना मेरे को घमंड था, मैं नहीं जानता था कि संत क्या हैं। क्यों? क्योंकि पाश्चात्य पद्धति से पढ़े हुए लोग हैं हम, तो संस्कार जरूर थे घर के, इस कारण से मैं रुका। 3 मिनट नहीं हुए बापू आ गए, और जो मैंने बापू को देखा, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे ये लगा कि जिनकी मुझे तलाश थी वो मुझे मिल गए। मेरे को बापू में ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात दिखे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मन ही मन अपने को धिक्कार रहा था कि ये मैं उनके बारे में क्या बोल रहा था। बस उसके बाद से ही मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, मेरे को जो गुस्सा आता था वो गुस्सा भी मेरा कम हुआ। मेरा यहाँ तक इतना गुस्सा था, अब आपको क्या बताऊँ, कि मेरी दोनों आँख फूट जाए पर यदि मेरे से किसी ने थोड़ा भी कुछ किया है तो उसकी एक आँख फोड़ के रहता था। अधिकारियों से भी मेरी इसी तरह की बनती नहीं थी। कई बार मेरे एक एक साल में 8-8, 9-9 ट्रांसफ़र होते थे सिर्फ मेरी जिद के कारण और गुस्से के कारण। बापू के मिलने के बाद उनकी ऐसी करुणा रही कि उन्होंने मुझे ये बता दिया कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है। मनुष्य जन्म जो मुझे मिला है उसका उद्देश्य क्या है वो बापू ने मुझे दिखाया। जबकि मैं तो खाली वहाँ धन ध्यान के लिए कि चलो कुछ थोड़ा बहुत पैसे से मजबूत हो जाऊँ, इतना क्या कहते मैं बापू से चाह रहा था। मगर बापू जी ने मुझे जीवन का असली मकसद बताया, बापू हमारे भगवान से भी बढ़कर हैं। बापू ने हमें, मेरे पूरे परिवार को एक सही दिशा दी है। मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कार्यपालन यंत्री था, अभी 2016 में रिटायर्ड हुआ हूँ। आरोप लग रहे बापू जेल में है, क्या कहोगे उसके? अरे बापू जेल में है ये उनके लिए होंगे,
जो क्या कहते निगुरे हैं बापू तो हमारे हृदय में हैं और सदा रहेंगे। कितनी भी परिस्थितियां ला दें बापू का कुछ नहीं बिगड़ा है। बापू जेल में नहीं है, भारतीय संस्कृति को इन नेताओं ने जेल में रख कर दिया है। चंद स्वार्थों के कारण, इनके स्वार्थ के कारण इन्होंने जेल में किया है बापू जी को जेल। ये आप बताएं कि बापू जी जब जेल में हैं उसके बाद भी लोगों की श्रद्धा तो बड़ी बड़ी ठीक है, मगर जिस स्वार्थ सिद्धि से इन्होंने बापू को अंदर किया है, आप देख लें कि जब से बापू जेल में हैं धर्मांतरण अधिक से अधिक बढ़ा है आदिवासी क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में, इवन पंजाब में सिख लोग भी कह गए थे जो है धर्मांतरण को स्वीकार कर रहे हैं। धर्मांतरण का भी एक कारण रहा, मतलब धर्मांतरण का कारण तो बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही विदेशी कंपनियां, अन्य जो नशा करवाने वाली कंपनियां हैं, बापू ने कईयों के व्यसन, मैं कह रहा हूं कि मैं खुद व्यसन करता था, मेरा व्यसन तो स्वतः छूट गया, बापू ने नहीं छुड़वाया, मेरा व्यसन खुद का स्वतः छूटा, अपनी मर्जी से छूटा बापू के दर्शन मात्र से। तो हम तामसी जीवन वाले थे, पर बापू जी के पास जैसे दर्शन हुए और वहाँ आना जाना शुरू हुआ, उन्होंने प्रेम दिया। मैं तो इतना कह के तो बेकार आदमी था कि मैं जो है द्वार पे जाने के लायक आदमी नहीं था, लेकिन मगर ऐसा कहना है तो अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास। क्या होता है अंधभक्ति क्या होती है? जिसने गुलाब जामुन का स्वाद नहीं सका चखा हो, वो क्या कहते गुलाब जामुन की बात करे कि गुलाब जामुन ऐसा होता है। हमने बापू का क्या कहते पास में रहे हैं, हमने क्या कहते देखा है, इवन जीने का मकसद सिखाया, उसके बाद भी लोग ये कह रहे हैं तो कहने वाले कहते रहे हैं, इसमें लोगों का नहीं। आज इतने संतों को क्या कहते अंदर किया गया, बरी होकर के छूटे, क्या उनके जो वर्ष उन्होंने जेल में बिताए उनके वर्ष वापस सरकार या क्या कहते मीडिया लौटा पाएगी? ये भ्रष्ट मीडिया रेप बाप कह रही है कि क्या कहते FIR में रेप नहीं लिखा, FIR में दर्ज नहीं कराया उस बच्ची ने, रेप हुआ, मीडिया चला रहा रेप करा। और मेडिकल रिपोर्ट की जो जांच है उसके अंदर कहीं खरोंच तक नहीं आई बताया, लड़की यूपी की घटना घट बता रही है और केस दर्ज करा रही है दिल्ली में। ये कैसा अंधा कानून है कि इस तरीके का, और फिर वो भी 5 दिन बाद। तो क्या ये कानून व्यवस्था और सरकार को ये दिखता नहीं है? वो भी छोड़ो, हजारों महिला चीख चीख के कह रही हैं कि बापू हमारे निर्दोष हैं, वो सरकार को नहीं दिख रहा है, वो किसी को नहीं दिख रहा है कि क्या कहते हैं हजार वो महिला, वो भी तो महिलाएं हैं, वो भी तो बच्चियां हैं, कह रही हैं। उसके बावजूद भी आज भी हजारों बच्चे आश्रम में हैं, तो उनके माँ बाप क्या गंदा काम कराने के लिए भेजेंगे? आप खुद सोचें, ये सोची समझी साजिश है विदेशों की, स्वार्थी नेताओं की, कि किसी भी तरीके से बापू को बदनाम करो, भारतीय संस्कृति को बदनाम करो, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये कितना भी कुछ भी कर लें, बापू जैसे संत जब तक इस धरती पर हैं वो सनातन धर्म को बर्बाद नहीं कर सकते। यहाँ रतलाम की बात करें, रतलाम के आसपास मतलब अभी भी बापू के सेवा कार्य जूं के त्यूं शुरू ही है, मतलब बापू जी के सेवा कार्य ये स्थिति है कि यहाँ पे चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे किसी भी प्रकार का वो हो, अमावस्या पूनम हो, यहाँ पे निराश्रितों को भोजन भजन और धाड़की, साथ साथ में उनके जूते चप्पल साड़ी धोती वगैरह सब लगातार सतत चल रहा है। आप पंचेड़ में जाएँ, हमारे पास में पंचेड़ आश्रम है, आप जाएँ सतत क्या कहते हैं वहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं। यहाँ केंद्र है, ये इस केंद्र के ऊपर कार्यक्रम चलते हैं। मांगल्य मंदिर है, वहाँ पे सैकड़ों गौवें हैं, गौशाला है, गौशाला के अंदर गौवें इतनी प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि वहाँ शोषण नहीं है, हर तरह का चाहे, यानी इंसान तो ठीक है, प्राणी मात्र के लिए बापू क्या कहते हैं उसका भला चाहते हैं। विदेश के अंदर जिन्होंने वैलेंटाइन डे इस भारत के अंदर लाए, उनका भी बापू मातृपित पूजन से का विकल्प निकाल करके उन्होंने ये सोचा है कि वो भी सुखी रहें, प्राणी मात्र सुखी रहे। ऐसे संत को आपने अंदर डाल रखा है, कहाँ जाएंगे ये? क्या
इनको ईश्वर माफ़ करेगा? नहीं माफ़ करेगा। आप किसी के लिए भी अदालत खुलवा लेते हो रात में, मगर बापू को 9 वर्षों के अंदर एक दिन की भी बेल नहीं मिल पाई, तो क्या आतंकवादियों से भी उन्होंने गहरा कह कहते ऐसा कोई काम किया है? जबकि सच्चाई किसी केस में है ही नहीं। तो क्या कारण है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या कारण है कि आप ऐसे संत को आपने वो कर रखा, जिनके जिनके आशीर्वाद से आप इस सर्वोच्च पद पर बैठे हो। तो हमारा जितने भी शीर्ष नेता हैं उन सबसे निवेदन है, संज्ञान में लाएं जल्द से जल्द बापू को, रिहा कर। और बापू निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, रिहा होंगे। नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके ये वर्ष वापस आप लौटा पाएंगे? जो साधकों को और जो लोगों को हानि हुई है, वो हानि क्या कहते हैं, उसकी भरपाई कर पाएगी सरकार या न्यायपालिका कर पाएगी? तो मेरा उनसे निवेदन ये है कि जल्द से जल्द निर्णय लें और बापू को रिहाई। सालों से संत आसाराम जी बापू आश्रम में आते हैं, उनका यही कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर रतलाम से।